मुरादाबाद में नगर निकाय के चुनाव में कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें इस चुनाव में काफी बढ़त मिली है और कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें काफी नुकसान हुआ है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता और इस बार पार्टी का प्रत्याशी जीता है। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के वार्ड नंबर 15 मऊ में है, जहां नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद महानगर के वार्ड नंबर 15 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत नहीं मिली, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पर्वतारोही विपिन सैनी की धर्मपत्नी राखी को प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने राखी को अपना समर्थन दिया और भाजपा का प्रत्याशी पहली बार वार्ड 15 से जीतकर नगर निगम में पहुंचा। पर्वतारोही विपिन सैनी का यह कहना है कि वह हमेशा अपने मुरादाबाद का नाम रोशन करने के लिए कार्य करते हैं। देश की बड़ी चोटियों पर उन्होंने तिरंगा लहराया है और मुरादाबाद का नाम आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 15 में महिला सीट होने के बाद मेरी पत्नी को प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया और पहली बार वार्ड 15 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आया है। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम लोग वार्ड 15 से चुनाव लड़े थे और 209 वोटों से हमने विजय प्राप्त की। अच्छा, इससे पहले कौन प्रत्याशी रहे हैं, कभी भाजपा की इससे पहले जीत हुई है? जब से नगर निगम यहाँ पर बना है मुरादाबाद में, कभी बीजेपी की सरकार नहीं आई यहाँ पर और हमने पूर्ण बहुमत से यहाँ पे विजय प्राप्त की है। इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे माया देवी जी जीती है। मतलब वार्ड 15 में कभी भाजपा का सभासद नहीं बना? नहीं नहीं नहीं, भाजपा की कभी अब यहाँ पर अभी तक कोई सभासद नहीं बना। आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, आप क्या करने वाले क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जो रेशो है हिंदू मुस्लिम का वो 65-35 का है और जो भी प्रत्याशी जीतता है वो मुस्लिम क्षेत्र में जाते ही नहीं है आज तक जो मैं देखता हूँ। तो नालियाँ इतनी बेकार हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। अभी हाल फिलहाल में सीवर का काम चला था, उसके बाद सारी सड़कें खराब हो चुकी हैं और पहली प्राथमिकता यही होगी कि जितनी भी नालियाँ हैं उसको बिल्कुल साफ सफाई कराया जाए। मेन सबसे मेन फोकस नालियों का है, बहुत ज़्यादा गंदगी इस वार्ड में। तो क्षेत्र के लोगों का कैसा समर्थन है आपको? इस क्षेत्र के लोगों का बहुत अच्छा समर्थन रहा मेरे लिए और मुझे इस लायक बनाया ताकि पहली बार भाजपा की सीट यहाँ से निकाली और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को, उन्होंने जो अपना वोट दिया है वो सफल होगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सभी धर्मों के लोगों ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मेरा मेन कहना यही है, सभी धर्मों के लोगों ने मुझे वोट दे के विजयी बनाया। क्या अपेक्षा रखते हैं क्षेत्र के लोगों से? हाँ, मैं अपेक्षा ये करता हूँ जिस तरीके से उन लोगों ने मेरा साथ दिया मैं भी उनका साथ दूंगा और नेक्स्ट टाइम आने वाले समय में जनता ही मेरा साथ देगा। पहली बार भाजपा के टिकट से पार्षद बनी राखी का ये कहना है कि महिला अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए वे अपने क्षेत्रवासियों को लेकर काम करेंगी और हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। उनका मकसद यही है कि क्षेत्र में विकास कार्य हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो भारी मात्रा में वोटों से मुझे विजय किया है, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। और जैसे उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पर विजय उतरूंगी। और जैसा कि महिलाओं के लिए करते आए हैं, उनके लिए महिलाओं के लिए ज़्यादा सपोर्ट करूंगी और उनका साथ दूंगी। अब महिलाओं के लिए बस वही है, बहुत सारी वैसे योजनाएं हैं उनके लिए, जो भी होगा चीज़ के लिए महिलाओं के लिए, जैसे कि योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम करूंगी। जो बहुत सारी योजनाएं अभी तक महिलाओं को पता नहीं है कि क्या क्या है, क्या क्या मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, तभी उन तक पहुंचाऊंगी मैं, जो है उन लोगों को पता नहीं है। और तो यही कह रही हूँ सबको, महिलाओं को घर से बाहर निकल के देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वो हैं, घर में रह के कुछ नहीं है, बाहर निकलो, बहुत सारी योजनाओं का है जिसका हम लाभ ले रही है।